नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय टीचिंग। इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आ की मात्रा, किसकी मात्रा? आ की मात्रा, देखिए अ प्लस ये आ की मात्रा, ऐसे इसको सीखेंगे। बराबर आ, ठीक। तो देखिए इसमें आ की मात्रा कैसे होती है, ये ऐसे लाइन खींच देंगे। अब ये अब इस जहां भी रहेगा इस तरह से, वो क्या हो जाएगी? आ की मात्रा, ठीक। ये किसमें? हिंदी में। अंग्रेजी में मत जाइएगा कि गुरुजी तो कहे हैं कि ऐसे और ऐसे, ये आ की मात्रा होते हैं। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक ना। ये आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात। तो ऐसे आ की मात्रा होगी, देखिए कहीं भी रहेगा, किसी भी शब्द में वाक्य में आता रहेगा तो ये आ की मात्रा हो जाएगी, ठीक ना। आइए देखते हैं, जैसे ये क्या लिखा है, क, क्या है क, और ये क्या है आ की मात्रा, और ये कौन सा अक्षर है म, क्या हो गया क, क में आ की मात्रा का, म क्या हो गया काम, क्या हो गया काम, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये कौन सा अक्षर है, न, और ये आ की मात्रा, और ये म, क्या हो गया नाम। आप लोग पूछते हो ना कि आपका क्या नाम है, वही है नाम। फिर ये द, द पर आ की मात्रा दा, अम दाम, क्या हो गया दाम। आप दुकान पर जाते हो तो कोई सामान लेता लेना रहता है तो आप पूछते हो ना कि इसका दाम क्या है, ऐसे ही लिखेंगे दाम, दमिया का मंत्र दा, अम दाम, ठीक। अब ये क्या है, बड़ा स, समय का मंत्र अम साम, क्या हो गया साम, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या है, कौन सा अक्षर है, अ, अ में आ की मात्रा आ, और ये क्या है, क्या हो गया बताइए, कितने लोग खाए हैं? बताइए कितने लोग खाए हैं आम? सब लोगों ने खाया है। अच्छा, आम का स्वाद कैसा होता है, खट्टा और मीठा? अच्छा, खट्टा और मीठा होता है, तीखा नहीं होता? नहीं। अच्छा चलिए, कच्चा आम का खट्टा और मीठा भी होता है, और पक जाता है कैसा, उसका स्वाद मीठा आता है, ठीक। इस तरह से हम लोग ऐसे देखिए, ये जो यहाँ पे है इस लाइन में का कहीं भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ड, ड में आ मिलके डा, और ये क्या है ल, क्या हो गया डाल, क्या हो गया डाल, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये आ की मात्रा है, ठीक। ये सबको समझ में आ गया। अब बताइए क्या हो गया, ये न, न में आ मिलके ना, और ये क, नाक, क्या हो गया नाक, ठीक। इस तरह से
जो ये ऐसे अक्षर ये सिर्फ कहीं भी रहेगा उसको क्या करेंगे, उसका क्या उसको पढ़ेंगे, आ की मंत्रा। ठीक, अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, च च में आकमंत्रा चा, ठीक, च च में आकमंत्रा क्या हो गया, चाचा हो गया। इसी तरह पढ़ना है, ये क्या है, मम याक मंत्रा मा, फिर मम याक मम याक मंत्रा मा, क्या हो गया, मा मा। ठीक, ये क्या है, न नमयामिन के ना, फिर न और नम में आक मंत्रा, क्या हो गया, ना ना। अब क्या है, द में आक मंत्रा, फिर द द में आक मंत्रा, क्या हो गया, दादा। अब कौन सा अक्षर है, अभी देखिए, ये कौन सा अक्षर है, ब याक मंत्रा और ये ब ये आक मंत्रा, क्या हो गया, बाबा, क्या हो गया, बाबा। इस तरह से हम लोग आक मंत्रा कहीं भी रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, क्या हो जाएगा, आक मंत्रा, किसकी मात्रा, आ की मात्रा। ठीक, इसकी मात्रा रहेगा आ की मात्रा, ठीक ना। अब देखिए ये क्या लिखा है, प ये आ की मात्रा और ये प और ये आ की मात्रा, ये क्या लिखा है, प प में आ मात्रा पा, फिर प प में आ मात्रा पा, क्या हो गया, क्या हो गया, पापा, क्या हो गया, पा पा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ब ब में आक मंत्रा बा, ये क्या है, ज ज में आक मंत्रा जा, क्या हो गया, ब में आने के बाद ज में आने के जा, क्या हो गया, बाजा। ठीक, इस तरह से अब देखिए आगे, अब कैसे इसको आक मंत्रा पर कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये क्या है, आ ये क्या है, का और ये कौन सा अक्षर है, स। अब इस तरह से मिला मिला के पढ़ेंगे, आ कमया मिलके का, अस आकाश, ये क्या है, आ आकाश आ, ये क्या है, छ छ मया मिलके छा, ये त त मया मिलके ता, क्या हो गया, छाता, क्या हो गया, छाता। और ये क्या है, ल ल मया मिलके ला, क्या हो गया, छाता ला। ये कौन सा अक्षर है, म म में आ मिलके मा, ल ल में आ मिलके ला माला। ये कौन सा अक्षर है, छोटा उ और ये ठ ठ में आ मिलके ठा, क्या हो गया, उठा। आकाश आ छाता ला माला उठा। ठीक, ये क्या है, हा थ हाथ,
ये क्या है? सॉस मैम की सांप, सांप। ठीक, ये क्या है? कर। अब इसको ऐसे मिला के पढ़ लेंगे, कर खाना, खा, कान, मत, खा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे और आ की मात्रा को पढ़ेंगे। ठीक, आइए अब और देखते हैं। इस तरह से देखो दोस्तों, जो आ की मात्रा है उसको हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक ना। अब देखिए ये कौन सा अक्षर है, सौ दा चार। ठीक, सदाचार अ प ना, सदाचार अपना। ठीक, अब देखिए ये क्या है, स मा चा र समाचार पढ़। ठीक, ये क्या है, चलिए बताइए, दवात, ला, दवा ला। इस तरह से हम लोग आ की जो मात्रा है ऐसे उसको हम लोग सीख लेंगे। अब आगे कहीं भी ऐसी मात्रा रहेगी ये वाला, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा, और इसको मिला करके अब अपने तेज गति से इसको पढ़ना सीखेंगे। ठीक बच्चों, मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल भारतीय टीचिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।